जो वायरस है ये एनिमल्स के भी है या साडे पेट्स के भी है? पेट्स के भी है। सब तो अच्छी चीज़ ये है कि जो होए भी एनिमल्स तो जो पेट्स हैं वो तो इंसान नहीं, तो बड़ी क्लीयर है इस चीज़ का। सो इस चीज़ में कोई सानू कन्फ्यूजन नहीं कि ये बारे आपको कुछ नहीं करना, ना पेट्स को अबैंडन करो, ना उन्होंने तो दूर रहो, ना वो थोड़े तो दूर। हाँ जी, तो आइसोलेशन जो नैचुरल है तुम आइसोलेशन, पर उस तो बीमार ही नहीं करना। कि ये जो वायरस है ये एनिमल्स के भी है या साडे पेट्स के है? पेट्स के है। देखो ये कुछ स्टार्टिंग लोगों ने पाया कि यह वायरस हो सकता है, बेसिकली ओरिजन तो एनिमल्स तो ही होया सीगा, पेट्स तो होना कि नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये भी सोशल मीडिया की र्यूमर सी, लोगों ने अपने पेट्स ही बाहर छड़ते। देखो पहले बच्चों की ट्रीट कर रहे थे, तरह कर रहे थे, किसी बेकार बंदे की व्हाट्सएप पर देखा, चलो बचपा। ये मैं बड़ी अफसोस की गल है इस चीज़। सब तो अच्छी चीज़ यह है कि जो होए भी एनिमल्स तो जो पेट्स हैं वो तो इंसान को नहीं हो सकता, सो बड़ी क्लीयर है इस चीज़। सो इस चीज़ में कोई सानू कन्फ्यूजन नहीं कि ये बारे आपको कुछ नहीं करना, ना पेट्स को अबैंडन करो, ना उन्होंने तो दूर रहो, ना वो थोड़े तो दूर रहे। हाँ जी, तो आइसोलेशन जो नैचुरल है तुम आइसोलेशन चो, पर उस तो बीमारी नहीं फैलेगी। डॉक्टर साहब, जिदा कोई पॉजिटिव पेशेंट हो जाता है उन्होंने 14 दिन आइसोलेशन पा दिता जाता, होम आइसोलेट हो जाता मरीज, की उसनू अपना दोबारा काम कर शुरू करने वास्ते 14 दिन का पीरियड या 17 दिन का पीरियड कंप्लीट करने तो बाद दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत है या जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, जिदा तुम पूछा ना वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेना कि नहीं लेना, बिल्कुल मिट्टी की तरह कोई फायदा नहीं होता। इस तरह टेस्टिंग है भाई साहब, 10 दिन बाद इन्फेक्शन काफ़ी घट गई माइल्ड से मॉडरेट की, उन्होंने टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। जो वायरस ही खत्म हो गया पहला फेज ही, इन्फेक्टिविटी नहीं हुई, टेस्ट करा के की करेगा? इनफैक्ट कुछ फाल्स पॉजिटिव टेस्ट आ जाते हैं 14 दिन बाद, वो जी डेड वायरस भी है ना, जोड़ा वायरस का डेड पार्ट होंगे कई बार PCR पॉजिटिव आ जाता, तो रिपोर्ट तो पॉजिटिव आएगी, तो बंदा मैंटली वो शॉक च रहता। सो गवर्नमेंट वालों, WHO वालों, ICMR वालों ये बड़ी क्लीयर इंस्ट्रक्शन है कि जो थोड़ा टाइम पीरियड होया ज्वाइन करो, थोड़ा टेस्टिंग की लड़ नहीं। एक्सैप्ट जो पेशेंट बहुत सीरीयस कंडीशन का होंगे, जो निमोनिया बिगड़ गया, फेफड़े पूरे खराब हो गए, जो TB वाला हिसाब हो गया, हो सकता है कि दवाई उदों तक असर ना की हो, उसनू 3 हफ्ते तक इन्फेक्शन रह सकती है, पर 3 हफ्तों तो बाद इन्फेक्टिविटी के चांसिस बहुत ज़्यादा रेयर होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों लिए समझना, टेस्ट का पॉजिटिव होना 14 दिन बाद इन्फेक्शन का होना दो अलग अलग चीज़ें ने। सो पहलियां दो कंडीशन के टेस्ट दोबारा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। तीसरी कंडीशन जी सवीर वरायटी है, वो भी थोड़ा डॉक्टर दसेगा भी कि कुछ लोगों 5-7% लोगों टेस्ट कराना चाहिए, बाकियों टेस्ट नहीं कराना चाहिए। इट्स ए वेस्टेज ऑफ मनी, फैमिली तो स्ट्रैस है और इस तो दूर रहना चाहिए चीज़ा। इसी तरह साढ़े एक दर्शक होर साढ़े नाल जुड़े ने, मनदीप सिंह ने, जेडे कि कोविड पेशेंट रह चुके हैं, उन्हों का एक सवाल है कि मैं उन्होंने 28 दिन कंप्लीट कर ले अपने जो तो पॉजिटिव आए हैं, बट उन्होंने अज भी वीकनैस से उन्होंने लत्तों के दर्द रहता, कि उन्होंने हम अगर की करना चाहिए, कोई मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए है या रूटीन के अपने आप? यंगस्टर है तो मैं थोड़ा जिदा दसिया कि कुछ लोगों च वीकनैस रही है, एक एक महीना भी रही है, नो डाउट कि आराम नाल उन्हें डॉक्टर को मिल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं हैगी, उन्होंने जाके दिखा सकते हैं, जरूर लेनी चाहिए सह। पर पहला हाइड्रेशन, पानी पूरा पीन, नारियल पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, जो किडनी की प्रॉब्लम नहीं ये पीन, अपना फल खान, अपना हाइड्रेशन जो करते हैं वीकनेस हट जाती है। कुछ मल्टीविटामिन वगैरह हो सकता लोड होवे वो थोड़े डॉक्टर थानू दे देंगे, पर देखा गया कि कुछ लोगों च वायरस तो बाद वीकनेस रहती, कोई भी वायरस है वो वीकनेस रह सकती, बट ये सीरीयस नहीं है। वधेरे जानकारी लई सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल पब्लिक टाइम्स, अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करना ना भुलो।